हेलो फूडीज, वेलकम टू संजनास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी आलू की सब्जी, वो भी सिंधी स्टाइल में, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए बनाते हैं मेथी आलू की सब्जी। मेथी आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने दें। ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें, करीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने। आप लोग इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए, सिंधियों की फेमस सब्जी है, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी है इसे बनाना। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। मेरे लेंस पे छींटे जा रहे थे तो मैं लेंस कवर कर रही थी, तभी वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। आप लोग भी ध्यान से कीजिए, इसके छींटे बहुत उड़ते हैं आलू डालने पे। आलू डालने के बाद 2 मिनट हम इसे भूनेंगे ताकि आलू का सारा पानी सूख जाए। 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ड्राई मसाले ऐड करेंगे हम, जो कॉमन मसाले होते हैं घर में हम यूज करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम इसे भूनेंगे, थोड़ा भूनेंगे ताकि मसाला भी अच्छे से पक जाए। 2 मिनट भूनेंगे इसे, मसाला अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मसाला पक चुका है। अब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे, जिसे मैंने धो के कट करके वॉश कर लिया है मेथी को। मैंने 2 कप करीब मेथी ली है यहाँ पे। मेथी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे ही कवर करना है हमें इसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेथी को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि मेथी भी अच्छे से भुन जाए। 5 मिनट हो चुके हैं इसे कवर किए हुए। आप इसे एक बार घुमा दीजिए ताकि मेथी नीचे से लगे ना, और जो हल्की हल्की लग गई है इसी से आपका अच्छा सा कलर भी आएगा और अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, एक टेस्ट आता है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपके आलू गल गए हों, पक गए हों, तो अभी आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे 2 मिनट लो फ्लेम पे फिर रखेंगे हम। मेरे आलू नहीं गले हैं तो मैंने इसे वापस कवर करके 2 मिनट के लिए रखा है। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारे आलू पके हैं कि नहीं। हमारे आलू पक गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, साथ ही हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज। मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के टमाटर यूज किए हैं। और इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई अदरक। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे लो फ्लेम पे कवर करके रखेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए, पक ना जाए। पांच मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे रख दे। 5 मिनट हो चुके हैं, उसका ढक्कन खोल के देखते हैं टमाटर पके हैं कि नहीं। टमाटर अभी आधे पक चुके हैं, अभी हम उसे फिर से लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और रखेंगे कवर करके ताकि टमाटर पूरी तरीके से पक जाए। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे मिक्स कर लेंगे। हमारे टमाटर ऑलमोस्ट पक चुके हैं। हमारी सब्जी रेडी हो गई है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है और कितनी यमी सब्जी बनी है। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आप
आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, सबको ये सब्जी।